फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज पिकल। सर्दी का सीजन है, गाजर, मूली, अदरक सभी आ रहे हैं और खाने का स्वाद अचार दोगुना बढ़ा देता है। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैंने गोभी लिया है, गाजर लंबे टुकड़ों में काट ली, गोभी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ में मूली छीलकर काट ली लंबे टुकड़ों में। मैंने मिर्च को दो टुकड़ों में काटा है, लहसुन को भी दो पीस में काट लिया है, अदरक को भी मैंने छीलकर लंबे टुकड़ों में काट लिया इस तरह से। अब कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने रखा, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। इसमें मैंने अपनी कटी हुई गाजर डाल दी, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, कुछ मिनट ही उबालेंगे जिससे ये हमारी गाजर नरम हो जाए। तब तक मैंने साफ कपड़े पर मूली को फैला दिया है जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर हो उड़ जाए। गाजर हमारी नरम हो चुकी है, इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे और इसी पानी में कटा हुआ गोभी डाल देंगे। अब इसे भी हम कपड़े पर फैला देंगे। गोभी भी कलर देखिए चेंज हो गया है हमारा थोड़ा सा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमको सब्जियों को नहीं गलाना है। ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट हुई है हमारी गोभी, क्योंकि अचार के खाने में पीस आनी चाहिए, अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। अगर आप धूप में रख रहे हैं तो 15 मिनट रख दीजिए, वरना पंखे की हवा में 30 मिनट में ही इसका जो भी मॉइस्चर है उड़ जाएगा। अब हम इन्हें निकालेंगे बाउल में। कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक हम डाल देंगे। अब कढ़ाई मैंने एक चम्मच काली मिर्च, दो चम्मच सौंफ, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच जीरा डाला है। इन्हें 30 सेकेंड तक ही गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूना, में थोड़ा ठंडा होने पर मिक्सर जार में डाल देंगे। और आधा कप मैंने पीली सरसों ली है, वो डाल देंगे। इसका हम मोटा पाउडर बना लेंगे ये इस तरह से। अब जो भी हमारे अचार की सब्जियां हों उनमें हम डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच हींग, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मैंने नमक डाला है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर एक कप मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ सरसों का तेल ही अचार में अच्छा लगता है, नहीं डालिएगा। थोड़ा ठंडा होने पर मैंने अचार में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खटास के लिए यहाँ पर हम दो चम्मच विनेगर का डालेंगे और मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट अचार है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा।